प्रीमियम बाइक की तरफ देख रहे थे, एक और आपके सामने कलर खड़ा है, क्रोम ब्राउन्स। अब कलर का नाम तो यही होना चाहिए, बाकी आप जैसा है। मैंने नहीं बोला रॉयल इनफील्ड के, थोड़ा कलर मेरे को थोड़े से नाम में प्रॉब्लम आती है। तो किसी भी रॉयल इनफील्ड की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्लोका ऑटो टेक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सामने खड़ी आपके क्रोम ब्राउन्स, इसकी ऑन रोड कीमत है 2,70,300 रुपये, और कंपनी यहाँ पर कॉल कर लेना, नंबर दे रखे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे हो जाता है क्या, देखो मैं रेट बताता हूँ कब और वीडियो कब आता है, उस हिसाब से रेट वेट बढ़ती रहती है, घटती भी रहती है, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं। सामने खड़ा है जो आपका क्रोम ब्राउन खड़ा है, और इसमें आपको देखिए पीछे का सीट हटा रखी है, तो इससे ये एक बोबर लुक आ गया है। तो रॉयल इनफील्ड की तरफ से बोबर अभी आपको फेस करके दे दी गई है, इस तरह से आपका लुक आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको भर भर के क्रोम यूज़ किया गया है, देख लीजिए पूरी बाइक में कलर यहाँ पर बहुत कम दिख रहा होगा, क्रोम सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा। और ये वाकई में बाइक लगती भी प्रीमियम है, एक तो रेड कलर होता है इसमें बड़ा तड़कीला भड़कीला, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो देख लेना चैनल पर जाके। और ये आप देखिए कुछ इस तरह से इसका सामने से लुक आ रहा है, और ये लगती भी है पूरी रॉयल, क्योंकि इसमें गोल्डन कलर की पट्टी वगैरह और सोने चांदी सारे कुछ इसमें दे रखे हैं, ठीक है। और जो कलर है, कलर की फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही शानदार दे रखी है, मेटेलिक कलर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ पर सारा कुछ मेटेलिक दे रखा है, और यहाँ पर तो क्रोम है ही है। ये सीट आपको इसमें एसएसआई के तौर पे लगी हुई है, बाकी कस्टम सीट अलग आती है। और ये फुटरेस्ट का ये भी आपको एसएसआई के तौर पे लगे हुए, ये भी आपको एसएसआई पे आएगा, ठीक है। टैंक पर कुछ रॉयल इनफील्ड इस तरह से मिल जाएगा आपको, एक बड़ा बड़ा सा लोगो, यहाँ पर टैंक वेट भी दिया गया है, 13 लीटर का इसका टैंक है, फ्यूल रीजन में रहेगा इसका 2.8 लीटर ऐसा कुछ या 2.5 लीटर। चाबी वही रॉयल इनफील्ड की शानदार चाबी आती है, वेव की दी गई है, बहुत ही प्यारी चाबी। और लॉक आपको हैंडल लॉक यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से लॉक हट चुका है, ये तो बहुत पहले हट चुका था, पर बताना जरूरी है, कुछ दर्शकों को अभी तक पता नहीं होगा। और चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ दिया गया है, स्विच क्वालिटी काफ़ी बेहतर दी गई है। ये वाले जो ग्लास आप देख रहे हैं ये एसएसएच के तौर पर है, बहुत महंगे है, चाहो तो लगवा लेना। और क्लच काफ़ी स्मूथ है, और जो हैंडल बार दिया गया है वो बहुत ही शानदार, और यहाँ पर भी एंड में आपको क्रोम ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्विच क्वालिटी रोटेट वाले दिए गए हैं, और पासिंग का स्विच आपको इधर ये ऊपर दिया गया, और ये इंडिकेटर का स्विच नीचे की तरफ, आई बटन यहाँ दिया गया जिससे आप मीटर को सेट कर पाएंगे, ट्रिप ए ट्रिप बी जो भी सेट करना है वो आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। वापस इधर इंजन के स्विच दिया गया है, हैजार्ड का बटन दिया गया है, ब्रेक लीवर कुछ इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पर आपको पायलट लैंप दिया गया है, ये बहुत ही शानदार जला के बता देता हूँ, कुछ इस तरह से जला गया। और सारा जो इसमें लाइटिंग सेटअप मिलेगा वो आपको हैलोजन बल्ब भी मिलेगा, यहाँ जो हैलोजन बल्ब दिया है इस पर भी आरई की ब्रांडिंग दे रखी है, और साइड इंडिकेटर कुछ इस तरह से, ये भी हैलोजन बल्ब भी है, जो आप चाहो तो एसएसआई के तौर पर अलग से लगवा सकते हैं। एसएसआई अभी वो देखो सामने वो है, एसएसआई आपको इस तरह से ही है, इंडिकेटर भी आपको मिल जाएंगे। जे सीरीज का इंजन दे रखा है, 349 cc सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल्ड इंजन है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की 6800 rpm पर, और 27 Nm का टॉर्क 4000 rpm पर। OBD2 इंजन है, जो कि अब इसमें आप E20 फ्यूल भी अपडेट करवा सकते हैं, या E20 की ब्रांडिंग आपको यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो आप E20 फ्यूल डला के भी आप इस बाइक को चला सकते हैं। और आ जाते हैं इधर, कुछ इस तरह से देखिए क्लासिक 350 आपको यहाँ मिल जाएगा बेजिंग, और पूरा क्रोम में आपको एक एग्जॉस्ट दिया गया है, इसका साउंड बहुत काफ़ी अच्छा है, और आगे की ब्रेकिंग वगैरह मैं आपको बताना भूल गया था। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे रखे हैं, भाईबेरी के कैलिपर दे रखे हैं, 300 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, 19 इंच के स्पोक व्हील दे रखे हैं, 190/19 के ट्यूब वाले टायर दिए गए हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह से पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है, लाइब्रेरी के गली पर दे रखे, ड्यूल चैनल ABS के साथ आएगी, 120/80/18 के टायर देखे, C8 कंपनी के टायर है, स्पोक व्हील दिए गए हैं, ट्यूब वाले टायर है, ठीक है। और कुछ इस तरह से पीछे का लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से जो टेल लैंप वगैरह दिया गया है ये सारा कुछ हैलोजन ही है, इसको मैं अभी आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। बाइक को करते हैं ऑन, ऑन करने से पहले ये देख लीजिए मीटर को, एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, ये न्यूट्रल वगैरह ये सारी इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाएंगे, बाकी आपको जो फ्यूल इंडिकेटर है वो आपको इसको डिजिटल में मिलेगा, ट्रिप है ट्रिप भी, और इको मोड में चल रही है पावर मोड में चल रही है, वो सारा यहाँ कुछ दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नेविगेशन के लिए जगह दी गई है, आप करते हैं इसको ऑन, ऑन करने के लिए आपको कुछ इस तरह से साउंड सुन लीजिए, पीछे का टेल लैंप भी देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, आगे का टेल लैंप भी देख लीजिए, आप इसको बंद करने के लिए ये, हाँ इसमें आपको सेफ्टी फीचर के लिए आपको
साइड स्टैंड कट ऑफ सिस्टम भी दिया गया है, मेन स्टैंड भी दिया गया है, साइड गार्ड भी दिया गया है। यहाँ पर आपको ट्विन सस्पेंशन दे रखे हैं जो कि सिक्स स्टेप एडजस्टेबल है, ठीक है। एक इधर ये भी क्रोम में दिए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है जिसको बाइक को स्टैंड वेस्टैंड पर लगाने के लिए या संभालने के लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वो चेन ओपन दी गई है। अब आ जाते हैं इसके डायमेंशन पर। 195 kg की ये बाइक है, 805 mm इसकी सीट हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm, ओवरऑल लेंथ इसके 2145 mm, व्हील बेस इसका 1390 mm है। तो किसी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं श्लोका ऑटोटेक LLP उदयपुर, जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और भी कुछ बाकी रह गया हो तो मेरे को बता देना कमेंट करके, मैं बता दूंगा। इसका राइडिंग रिव्यू भी मैंने बना रखा है, चैनल पर जाके देख लेना। बार बार राइड करके वही बाइक किया, बार बार चलो, ठीक है, बता बता के थक गया।